हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हर्षाई चोपड़ा। दोस्तों, आपने देखा होगा जिन स्टूडेंट को नीट 2018 में 500 मार्क्स के नियर बाई आए थे, नीट 2019 की एग्जाम में उनसे वो स्टूडेंट आगे निकल गए जिनके नीट 2018 में 400 के नियर बाई मार्क्स आए थे। हर एग्जाम में ऐसा ही होता है, नीट 2020 की एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स 400 के नियर बाई आए हैं, वो 550 मार्क्स आने वाले स्टूडेंट से अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। ऐसा क्यों होता है, इस विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। दोस्तों, कभी आपने सोचा होगा कि ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, इसका सीधा सा कारण है टारगेट सेट करके उसके अनुसार मेहनत करना। हर कोई स्टूडेंट कट ऑफ का टारगेट सेट करता है। जैसे इस बार स्टूडेंट ने 600 का टारगेट सेट किया है, क्योंकि हर कोई सोच रहा है कि नीट 2020 की कट ऑफ 600 मार्क्स ही रहेगी। अभी नीट 2019 में जिस स्टूडेंट के 500 मार्क्स आए थे, वो सोचता है कि मेरे को 100 मार्क्स की ही आवश्यकता है, और जिस स्टूडेंट के 400 मार्क्स आए थे, वो सोचता है कि मेरे को 200 मार्क्स और लाने हैं, और इस कारण से वो ज़्यादा मेहनत करता है। मेरा यहाँ कहने का मतलब यह है कि जिन स्टूडेंट के कम मार्क्स आए हैं नीट 2019 के एग्जाम में, वो स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत करते हैं। इस कारण ज्यादा मार्क्स वाला स्टूडेंट नीट एग्जाम में पिछड़ जाता है। जैसे क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है, एक टीम 300 रन बना देती है तो दूसरी टीम 301 बनाने की कोशिश करती है, और हम मेहनत भी टारगेट के अनुसार ही करते हैं। तो दोस्तों, जब सारा खेल टारगेट सेट करने पर ही है, तो हम टारगेट मैक्सिमम सेट क्यों न करें? आपको नीट 2019 में कितने ही मार्क्स आए हैं उन पर आप ध्यान मत दो, क्योंकि नीट 2020 में कम मार्क्स वाला भी आपसे आगे निकल सकता है। आप अपने टारगेट पर ध्यान दो कि 650 या 670 प्लस का स्कोर मेरे को करना ही है, और इसमें टारगेट सेट करने से ही कुछ नहीं होगा, उसके अनुसार आपको मेहनत करनी होगी। कभी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का टारगेट सेट मत करो, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। 300 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट निराश मत हो, क्योंकि 300 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को भी मैंने 580 मार्क्स लाते देखा है। नीट 2020 में आपकी मेहनत, आपका दृढ़ निश्चय और आपका आत्मविश्वास ही आपको सफलता दिलाएगा। कभी ये मत सोचो कि यार मैं तो पढ़ाई में कमजोर हूं और वो स्टूडेंट पढ़ाई में होशियार है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, सिलेक्शन उसी का होगा जो मेहनत करेगा। वीडियो के अंत में यही कहना चाहूंगा कि नीट 2019 के स्कोर पर कोई ध्यान मत दो, और एक टारगेट सेट करके मेहनत करो। अवश्य ही नीट 2019 की एग्जाम में जिन स्टूडेंट के आपसे ज्यादा मार्क्स थे, उनसे आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जो गलती नीट 2019 के एग्जाम में आपने की थी, वो अभी ना हो। जिस स्टूडेंट का यह लक्ष्य है कि नीट 2020 के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर एमबीबीएस करना है, उसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि चींटी बार बार फिसलती है, मगर उसमें सफल होने का जुनून होता है और वो सफल होकर ही रहती है। तो दोस्तों, आपको भी मेहनत करनी है और 2020 में एक अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, इसको लाइक करना है। अगर आपका ये हमारा वीडियो अच्छा नहीं लगा और आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं, तो आप इसको डिसलाइक कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ में। और हाँ, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, कुछ वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं, तो आप उन
वीडियो को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। तो दोस्तों लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।